सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Android 12 को किसी भी Samsung के डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक Samsung का डिवाइस है और इसमें मैंने Android 12 को इंस्टॉल किया हुआ है। और आप भी किसी भी Samsung के डिवाइस में, चाहे आपका डिवाइस Android Pie, Android 10, Android 11 पे रन कर रहा हो, सभी डिवाइसेस में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 200 लाइक, 200 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इन सभी फाइल्स को कर लेना है डाउनलोड और आपको कर लेना है इसे इंस्टॉल। जैसे ये है एंड्रॉयड 12 का आइकन पैक, तो आपको इसे कर लेना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। तो उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जो कि एक कस्टम विजिट्स, तो इसको भी आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको एंड्रॉयड 12 का वॉलपेपर अप्लाई कर लेना है अपने डिवाइस में। इसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि है नोवा लॉन्चर, तो आपको इसे भी कर लेना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इसके बाद आपको एंड्रॉयड 12 आइकन पैक को ओपन करना है, परमिशंस को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है और इसको अप्लाई कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नोवा लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको बैक कर देना है। उसके बाद आपको नोवा लॉन्चर को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 के जो आइकन्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आपको विजिट्स को कैसे ऐड करना है, तो विजिट्स में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर कस्टम विजिट्स देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 1x1 भी रख सकते हैं, 2x2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रेस एंड होल्ड करना है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको रीसाइज इसको करना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे साइज को कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसको टैप करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है, परमिशंस को अलाउ कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको ऊपर में एक इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 का विजिट आ चुका है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको बैक चले आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 12 का विजिट्स भी ऐड हो चुका है दोस्तों, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से एंड्रॉयड 12 के आइकन्स और विजिट्स ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी Samsung के डिवाइस में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको सारे ही एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं वो चेंज हो चुके हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप एंड्रॉयड 12 के आइकन्स और विजिट्स ऐड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।